तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने गांव में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं अपने गांव का नज़ारा। तो गाइस गांव में पापा ने हमारे खेत में पूरे चारों तरफ धान लगवाया था, तो अभी बारिश नहीं होने के कारण आप देख ही सकते हैं कि धान का क्या हालत है। जमीन बिल्कुल ही बीच से फटी जा रही है। गाइस देख ही सकते हैं कि दिन में हमारे सर के ऊपर कितना धूप है। जो धान में पानी डाला जाता है वो तुरंत ही सूख जाता है धूप होने के कारण, जिससे कि हमारा धान भी सूख रहा है। तो गाइस ये तो हो गई धान की बात, तो चलिए मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ जो कि मेरे गांव में उपलब्ध है। तो पापा ने बहुत सारे पेड़ भी लगाए, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने पेड़ का बगीचा। गाइस तो फाइनली मैं अपने पेड़ के बगीचे में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर दो किस्म के पेड़ हैं, एक किस्म के पेड़ का नाम है सागवान, दूसरे का नाम है महोगनी। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ सागवान और महोगनी का पेड़ कैसा होता है। गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है ये सागवान का पेड़ है। इसके पत्ते कुछ इतने बड़े बड़े होते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है वो ये कुछ इतना मोटा है। गाइस यहाँ पर सागवान और महोगनी के पेड़ ही सिर्फ लगे हुए थे, तो यहाँ पर ये शीशम का पेड़ अलग से जन्म गया है जो कि इसे उगाया नहीं गया है। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे शीशम के पेड़ जन्म गए हैं, तो शायद इसे कटवाना पड़ेगा। तो गाइस जो आप ये सब पेड़ देख रहे हैं ये लगभग आज से 4-5 साल पहले लगाया गया था, जब हम लोग छोटे छोटे थे। जब ये पेड़ लग रहा था तो हम लोग भी यहाँ पर पेड़ लगवाने के लिए आए थे, और ये पेड़ पूरे तरफ एकदम चारों तरफ कटहरे तार से घिरा हुआ है। तो चलिए मैं आपको वो तार दिखाता हूँ जिससे कि ये पेड़ चारों तरफ से घिरा हुआ है। गाइस जो ये पेड़ के बगल में आप खाली जमीन देख रहे हैं, ये जमीन असल में खाली नहीं है। इस जमीन में ये रहर के पौधे लगाए गए हैं जो कि अभी बहुत छोटे छोटे हैं, जो कि आज से लगभग 10 दिन पहले लगाए गए थे। गाइस आप ये ब्लेड वाले तार देख रहे होंगे जो कि ये पॉल के अंदर से निकला हुआ है, जो कि हमारे रहर वाले जमीन और पेड़ को पूरे अच्छे तरह से घेर के रखा हुआ है, जिससे कि कोई जानवर आके इसे चढ़ ना जाए। गाइस इस पूरे खेत में मैं अकेले खड़ा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी की वजह से मैं पूरा पसीने से भींगे जा रहा हूँ। गाइस यहाँ पर आप ये महोगनी का पेड़ देख सकते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा आम के पत्ते की तरह लगता है, लेकिन ये आम का पेड़ है नहीं। तो गाइस देख सकते हैं कि ये पेड़ कितना लंबा है। गाइस तो मैंने आपको तो पेड़ का बगीचा दिखाई दिया, तो चलिए मैं आपको पहाड़ का रिव्यू देता हूँ। मैं पहाड़ पर भी जा ही नहीं सकता क्योंकि इतना गर्मी पड़ रहा है, तो वहाँ पे मैं अकेले नहीं जा सकता हूँ और पापा मुझे जाने नहीं देंगे। तो मैं आपको दूर ही से दिखा देता हूँ कि हमारा पहाड़ कैसा दिखता है। गाइस तो मैं आपको दूर से दिखा सकता हूँ, ये जो सामने वाला पहाड़ है ये हमारा पहाड़ है, तो इस पार बिहार है और उस पार मैं चला जाऊँगा तो मैं झारखंड में पहुँच जाऊँगा। ये जो पहाड़ है ये बहुत ऊंचा है, उस वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट टाइप के भी कुछ चीजें हैं जो कि हिस्टोरिकल टाइप की चीज है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। गाइस जो लोगों ने हमारे पिछले ब्लॉग को देखा होगा तो देखा होगा कि हम लोग बाजार गए थे, वहाँ पे हम लोग कुछ पौधे भी खरीदे थे जो कि टमाटर का पौधा था, मिर्च का पौधा था और बैंगन का भी पौधा था। तो उसे लगाने के लिए यहाँ पे ये जो लेबर लोग है ना वो इस जमीन को कोड़ रहे हैं। गाइस अब आप देख सकते हैं कि ये लोग हमारे पौधे को अलग अलग कर रहे हैं और उसे अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूरी में। गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पौधे को लगाने के लिए 3 आदमी लग चुके हैं। तो इसमें 3 किस्म के पौधे हैं, एक पौधा मिर्च का है, एक बैंगन का है और एक टमाटर का है। टमाटर का ज्यादा बहाव होने के कारण हम लोग यहाँ पर इसका पौधा ही लगा दे रहे हैं, शायद ही आज से 3 या 2 महीने के बाद उगने भी लग जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये जो हमारा पौधा है ये दीवार के किनारे किनारे लगाया जा रहा है। ये दीवार हमारे रूम का है जिसमें कि मोटर हाउस है ये हमारा, तो ये किनारे किनारे में लग रहा है जो कि सेपरेट रहेगा हमेशा के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो पौधा है लगभग लगभग हमारे रूम के किनारे लग चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर देखने में लग रहा है, और कुछ कुछ जो पौधे लगे हैं वो शायद इन लोग पीछे लगा रहे हैं। गाइस पौधे लगाने के बाद ये हमारे पौधे में पानी डाल रहे हैं ताकि ये पौधा जिंदा रह सके, और इतना धूप भी पड़ रहा है तो पौधा सूख भी सकता है, तो इसीलिए ये पानी यहाँ पर डाल दे रहे हैं सभी पौधे में। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हमने मैगी बनाया खाया, तो अब गाइस हम लोग फाइनली मैगी खा चुके हैं, तो अब शायद थोड़ी देर में हम लोग अपने घर के लिए वापस निकलेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ये जो पौधा लाए थे वो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, जो कि रो वाइज यहाँ पे किनारे किनारे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब में पानी डाला गया है, लेकिन ये अभी मुरझा गए हैं क्योंकि धूप उगा हुआ है एकदम तेज से। तो गाइस फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि हम लोग घर की ओर वापस जा रहे हैं। तो गाइस मैंने आपको गांव में पहाड़ का व्यू दिखाया, अपना बगीचा दिखाया, थोड़ा बहुत धान के खेत भी दिखाए, और मैगी बना के हमने खाया और चिकन उन लोगों ने खाया। तो गाइस चलिए अब घर की तरफ वापस चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम और पापा जा रहे हैं घर की तरफ वापस, तो पापा आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब हम लोग घर चलना है, अब शाम भी हो रहा है ना बेटा? हाँ शाम हो रहा है, सामान वगैरह भी लेना है। तो मार्केट में हम लोग कुछ सामान वगैरह भी शायद लेंगे, तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो देखिए चलते हैं घर तरफ और देखते हैं कब तक वहाँ पे पहुँचेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग घर वापस आ चुके हैं। तो गाइस हमें गांव से वापस आने में लगभग आधा घंटे का समय लगा,
तो चलिए आपको दिखाते हैं कि और लोग अभी क्या कर रहे हैं। तो गाइस घर है तो अदिति को देखें कि अदिति यहाँ पे क्यूब सॉल्व कर रही है। अदिति क्यूब सॉल्व करना आता है? आता है? हाँ। सॉल्व करके दिखाओ तो एक साइड का। गाइस तो अदिति मुझे अभी नाम से चिढ़ाने वाली थी, तो आपको देख के ये मुझे नाम से नहीं चिढ़ाई, यही बात है ना? देख तो गाइस इसे अभी एक ही साइड का सॉल्व करने आता है, जो कि अदिति ने अभी व्हाइट साइड सॉल्व किया है।